लद्दाख क्षेत्र के गलवान में चीन और भारतीय सेना के बीच हुए खूनी संघर्ष में शहीद हुए जवानों को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। साथ ही जगह जगह पर चीन का विरोध किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी जवानों की शहादत को नमन किया और कहा कि हम देश की सेना के साथ हैं। चीन ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। लद्दाख की गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पलानी, सिपाही कुंदन ओझा सहित हमारे 20 बहादुर शहीद हुए। उन्होंने अपने बलिदान से भारत माता को नमन किया, प्रणाम किया। हम अपने बहादुरों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम भारतीय सेना के साथ हैं। सारा भारत अपनी सेना के पीछे खड़ा है। हमारे दुश्मनों को एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए कि भारत वो भारत जिसने 1971 में दुनिया के नक्शे पर वीरता की नई मिसाल कायम कर एक राष्ट्र का अभ्युदय किया, वो भारत जिसने 1965 की लड़ाई में इछोगिल नहर तक पाकिस्तान को खदेड़ा, वो भारत जिसने कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तान को खदेड़ा, वह अपनी एक एक इंच जमीन चीन से वापस लेगा और सारा देश एकजुट होकर के अपनी सेना के पीछे खड़ा है। वहीं भाजपा सांसद अजय भट्ट ने सचिवालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शहीद जवानों को नमन किया। इसलिए हम अपने मातृभूमि की, अपने क्षेत्र की रक्षा करना अच्छी तरह जानते हैं और सबको ये जान लेना चाहिए कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम लोग बराबरी का बर्ताव करते हैं, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग कहीं किसी की जमीन या भूमि पर कब्जा नहीं करते हैं। जो हमारी भूमि या हमारे सैनिक या हमारे देश पर आँख उठाएगा उसको माकूल जवाब देने की शक्ति आज हमारे लोगों में है। न्यूज़ स्टूडियो के लिए देहरादून से सौरभ सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।